सही ढंग से करिए, उनका महत्व खत्म मत होने दीजिए। इसमें कैसा रस, आप अपने वाले में रस डाल के दिखाइए मुझे जरा। अभी अपने आपको परफेक्ट मत समझिए, आप में भी कुछ कमियां हैं। मैंने पैकिंग करी है, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हम बोल के नहीं, हम करके दिखाएंगे। देखिए हम करने में बिलीव रखते हैं। अब ये वाला तुम पैक करो, ये तीन मैंने पैक करा, डिफरेंस देखते हैं। बिल्कुल सेठी, फ्रंट का फ्रंट होता है ना, उसमें ये नहीं आता कभी भी। ये जॉइंट पता है कौन सा फ्रंट है? ये जॉइंट मुझे पता है ना, आपको पता है, जिसको जो देगा उसको पता है। इसे ही तो परफेक्शन कहते हैं कि हमें पता है, हमें परफेक्शन। हाँ। देखिए गुरु और शिष्य में बहुत फर्क होता है। गुरु कौन है? शिष्य यहाँ रहता है, गुरु यहाँ रहता है। गुरु कौन है? अगर यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, पैकिंग में गुरु कौन है? पैकिंग में गुरु हम है। अच्छा, कभी करी है आज तक? ना कभी, हमेशा पैकिंग मैंने करी है। आप टेप दीजिए जरा, वीडियो पे कम कर दीजिए, जाइएगा देखिए। हाँ, इस सोच पे क्यों पड़ गए? क्या हुआ, क्या हुआ, इधर देखना, नहीं हो पा रहा। ओहो, गुरु आज फेल कैसे हो गया? गुरु की तबीयत सही नहीं है आज, ब्रांच। अच्छा, ये कौन सा फोल्ड हो रहा है? ये वाला फोल्ड इसमें नहीं होता, जिसमें ऊपर से चौड़ा एज होता है उसमें होता है। बच्चे खाइए जरा, अब मैं करने देती हूं। अभी इसमें स्ट्रगल होगा, मैं वीडियो बंद ही कर देती हूँ। वो देखो उसने कैसे भी मोड़ दिया। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, कितना गंदा लग रहा है वो। अब यहाँ से फिनिशिंग देखिए, यही परफेक्शन की हम बात कर रहे हैं। वही फिनिशिंग की बात कर रहे हैं। ऊपर देखो फिनिशिंग अपनी, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से फटेगा। फेल होते हुए ये पैकिंग में, और फाइनली ये इतनी देर से, मैं 5 मिनट में मैंने तीनों कर दी और ये वापस से मेरे पास आ गया। हमने मौका दिया है इनको। किस चीज का मौका? चीजों को थोड़ा बेहतर करने का। चुप रहो, ये वापस से मेरे पास आ गया। इतनी छोटा सा इनसे गिफ्ट पैक नहीं हुआ। ये इनको गलत करके दिखाया, मैंने सोचा कि ये पकड़ेंगी और उन्होंने पकड़ लिया। दैट मींस सही राह पे हैं। गलती छुपाने का बहुत अच्छा तरीका है नितिन कांत। ये सही राह पे हैं, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं। शट अप, हां बाय। गुड मॉर्निंग पीपल, हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे सुबह नहा धो के मैंने मंदिर में दिया जला दिया है, पूरा साफ करके भैया के आगे भी दिया जला दिया और भोग रख दिया है। यहाँ पे सारे गिफ्ट्स पैक करके रख दिए, मिठाइयाँ रख दी हैं, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लड्डू ने भी कर लिया था। ये नितिन का ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा है क्योंकि वो तैयार हो रहे थे। और यहाँ पे सब काम करने के बाद मैं रेडी होने लग गई थी, और उसके बाद मैंने लड्डू को रेडी करना था। ये लड्डू के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। तो रेडी हो गए, मैंने पूजा तो मॉर्निंग में ही कर ली थी, इसलिए उसके बाद मैंने भैया को राखी बांधी, और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ये, बट कर भी कह सकते हैं, ऐसे ही उसकी प्रेजेंस फील करने की कोशिश करते हैं अपने आसपास। सारे काम ख़त्म करने के बाद हम निकल गए थे सिस्टर इन लॉ के घर जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती है, 1.5 घंटा लगता है उनके घर पहुंचने में। तो हमने पहले सोचा कि उन्हीं के घर चले जाएं। रास्ते में लड्डू सो गई थी क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठी थी, और यहाँ हम उनके घर पहुंचने वाले हैं और लड्डू भी उठ गई है, 1 घंटा करीब वो सो गई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा फ्रेश लग रही है। क्या करना है? अच्छा बैठो। उनके घर पहुँचे तो तीनों बच्चे भी आ गए थे मिलने के लिए, 2 ट्विन्स हैं और एक बड़ा लड़का है, और तीनों बहुत वेट कर रहे थे लड्डू के आने का क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे देखा नहीं था, और बच्चों को बच्चों की कंपनी अच्छी लगती है, तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे वो। वो छोटा वाला गिलास ही आना ऊपर से। कौन सा? वो छोटा वाला गिलास है ना, तो फिर अंदर गिला देंगे। गिलास अच्छा है, कितना ठंडा मुश्किल है। और उसका एक बार फलेगी, वो एक बार फलेगी, लोगों लग रहा है ये कोई इंग्लिश खा पाएगी।
बच्चे लड्डू से काफ़ी बड़े हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको खेल करवा लिया था और फिर उसके बाद लड्डू ने तीनों को राखी बांधी। तो यहाँ पे मैं हेल्प कर रही हूँ क्योंकि लड्डू बहुत छोटी है, तो मैं उसके हाथ से टीका और राखी करवा रही हूँ और सबको उसने बहुत अच्छे से बांधी। उसको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति से बैठे रही वरना बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, लेकिन बहुत प्यार से सबको उसने राखी बांधी। लड्डू ने तीनों बच्चों को टीका करके राखी बांध दी थी। अब मेरी और नितिन की बारी थी, तो यहाँ दीदी मेरा और नितिन का टीका कर रही है और हमें राखी बांध रही है क्योंकि भाभी को भी राखी बांधती है, ननद बांधती है राखी, तो यहाँ पर इसीलिए हम दोनों को राखी बांध रही है। काफ़ी देर तक बच्चे आपस में खेलते रहे, उसके बाद बच्चों ने हमें बोला खेलने के लिए, तो हम उनके साथ मोनोपोली खेल रहे हैं। गेम वाइंड अप किया तो दीदी ने लंच लगा दिया था, तो यहाँ हम लोगों ने अच्छे से लंच कर लिया है। फिर हमारे जाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे लास्ट में नितिन कुछ बच्चों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और बच्चों का तो मन ही नहीं कर रहा था छोड़ने का। लास्ट तक भी लड़ाई हो रही थी कि लड्डू को गोद में कौन पकड़ेगा। फाइनली हम वहाँ से निकल गए थे और अब अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे जा रहे थे जो दीदी के यहाँ था, मतलब लड्डू की मौसी। तो वहाँ पे मैं बच्चों को राखी बांधती हूँ, तो इस बार लड्डू ने भी बांधना था। यहाँ हम पहुँच गए हैं, मुझे पता था यहाँ भी लड्डू का मन लग जाएगा क्योंकि यहाँ है वान्या जो लड्डू से सिर्फ एक साल बड़ी है और खूब मस्ती कर रही थी, तो उसको देख के लड्डू भी कूद रही थी काफ़ी ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से इन लोग को सोफे से उतारा, तो अब फाइनली यहाँ पे ये लोग बॉल से खेल रहे थे। यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे को मिलके अपने अपने तरीके से गेम सिखा रहे हैं। लास्ट में मैंने और लड्डू ने तीनों बच्चों को राखी बांधी, मतलब लड्डू ने तो तीनों बच्चों को राखी बांधी, मैं निवाना और अर्णव को बांधती हूँ राखी। तो ऐसे हम लोगों का राखी सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा दिन गया, दोनों जगह बहुत अच्छा लगा। लड्डू का फर्स्ट ऑफिशियल राखी थी तो उसे भी बहुत अच्छा लगा और स्नैक्स खा के चाय वाय पी के हम लोग घर आ गए थे। क्या खोलना है? क्या पूरे दिन से लड्डू भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और प्रॉपर उसे सोने को नहीं मिला था, तो यहाँ अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ उसको सुलाने। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बाकी व्लॉग्स भी जाकर ज़रूर देखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।